अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मम्मी का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गए। तो आज मम्मी के किचन में बन रहा है कैल्ज़ोन। तो कैल्ज़ोन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, कैल्ज़ोन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डो तैयार करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 चम्मच हमें ईस्ट का चाहिए जो मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है, और 1/2 चम्मच मैंने नमक का भी इसमें ही डाल दिया है मैदे के अंदर। और इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए, हमें 1 चम्मच भर के ऑयल का चाहिए और 1 चम्मच ही भर के हम चीनी का डालेंगे। इसके अलावा इसके लिए हमें वार्म वाटर चाहिए होगा, जो 1 गिलास वो मैंने यहाँ रख लिया है। और इसके अलावा जो हमें बाकी चीज़ें जो स्टफिंग के लिए हम तैयार करेंगे, उसमें हमें सबसे पहले चिकन चाहिए, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल चाहिए जो मैंने यहाँ चकोर कट करके तमाम सब्ज़ियाँ रख ली हैं। इसमें 2 चम्मच गाजर, 2 चम्मच ही मैंने कॉर्नस के लिए हैं, 2 चम्मच शिमला मिर्च के लिए हैं, और मैंने प्याज ली है जिसको मैंने चकोर कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें हमें पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगा। इसके अलावा जो इसमें मसाले जाएंगे, वो तमाम मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं, जिसमें काली मिर्चें, नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, पेपरिका, ये तमाम मसाले हैं। और इसके अलावा जो इसमें सॉस जाएंगे, उसमें मैंने चिली सॉस लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ ऑयल का रखा है, और 1 चम्मच ही सिरके का। इसके अलावा जो है इसमें ओरिगैनो जाएगा। तो चलें आए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डो तैयार करनी है। डो के अंदर मैंने चीनी, ईस्ट और नमक मिक्स कर दिए, ऑयल भी डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके बाद जो हमारे पास पानी है, उस पानी से हम बहुत अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो जो है इसकी गूंदेंगे। और डो हमारी गूंद के तैयार हो गई है। तो इसके बाद हम अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अब हमें सबसे पहले एक पैन चाहिए। पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया है। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो फौरन हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से वाइट हो जाए। और चिकन जैसे ही वाइट होगा, तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पाउडर मैंने आपको बताया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसको भी पाउडर को डाल के हम अच्छे से इसको भूनेंगे उस लहसुन अदरक के पाउडर में, ताकि जो इसकी रॉ स्मेल जो होती है लहसुन अदरक की, वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद अच्छे से मैंने इसको भून लिया, तो इसके अंदर अब मैं तमाम मसाले जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें काली मिर्चें और वाइट मिर्चें, पेपरिका, लाल मिर्च, ये तमाम मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, ताकि इसमें हमारा अच्छा सा एक फ़्लेवर आ जाए। तो इसको अच्छे से भून लिया मैंने। अब मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है, चिली सॉस ऐड करूँगी, और इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। ये डाल के तीनों चीज़ों को भी अच्छे से हम चिकन को भूनेंगे। और चिकन में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, ताकि जो है ये चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ, जितनी भी मैंने आपको बताई थी, वो तमाम सब्ज़ियाँ हम इसके अंदर डाल के 1 से 2 मिनट बस इसको हम इस मसाले के अंदर भूनेंगे, ताकि जो है हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। और चिकन हम तैयार करके और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो अब हम इसके अंदर ओरिगैनो डालेंगे, और फिर हम तैयारी करते हैं अपनी कैल्ज़ोन बनाने की। तो सबसे पहले हमने जो अपनी डो तैयार की थी, उसकी हम दरमियानी साइज़ की एक रोटी बनाएंगे। एक दरमियानी साइज़ की रोटी बना के बस इसके ऊपर हम फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस आपने पूरे में लगा देना है, और इसके ऊपर पहले हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, फिर जो हमने अपनी मैरिनेशन तैयार की है चिकन और वेजिटेबल की, वो हम डालेंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ी चीज़ डालेंगे। चीज़ आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ओरिगैनो डाल के इसको बंद कर देंगे। चाहे तो आप कांटे से निशान लगा लें, और चाहे तो जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ आप इस तरह से फोल्ड करें। और ओवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इसको हम 15 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे, और जैसे ये हमारे ओवन से निकलेंगे तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और नई रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।